हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे टमाटर का क्या करूंगी, तो मैं आपको बता दूं, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बिना प्याज लहसुन के मटर पनीर की सब्जी, और जिसके लिए हमें चाहिए ढेर सारे टमाटर। तो सबसे पहले हम छोटे से पैन में लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले और इसे हम सूखा ही भूनेंगे तब तक जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और गैस को हम तुरंत ऑफ कर देंगे क्योंकि कसूरी मेथी पैन के हीट से अपने आप भुन जाएगा और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर के पीसेस। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है और उसे हम हल्के हाथ से फ्राई करेंगे। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिए। उसके बाद फिर से हम पैन में लेंगे एक चम्मच तेल और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू, हरी मिर्च और टमाटर और थोड़े से अदरक भी। और जब टमाटर भून जाए हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे जीरा, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। और जब जीरा का कलर चेंज हो जाए हम अपना तैयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे और मिक्सी में जो थोड़े बहुत पेस्ट बचे हैं उसे भी हम पानी के साथ मिला के इसमें हम डाल देंगे। और उसके साथ ही हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया था, और अच्छे कलर के लिए डाल रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक भी। उसके बाद हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले अच्छे से भून जाए। मसाले बहुत छिटक रहे हैं इसीलिए हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए मसाला भी हमारा भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी पक जाता है तो इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हम ढक्कन हटा देते हैं, मटर भी अब तक पक गया होगा और अब हम इसमें डाल देंगे फ्राइड किया हुआ पनीर। उसके बाद इसे भी हम मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें मिला देंगे पानी। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालिए। उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर क्योंकि जो हमने टमाटर लिया था वो थोड़ा सा खट्टा था। अब हम इसे भी पकाएंगे ताकि पनीर सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर ले, और जब ग्रेवी रेड्यूस हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सूखे गरम मसाले फ्राई किए थे उसे मैंने पीस लिया है, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और साथ ही डाल देंगे कुछ कटी हुई ताज़ी हरी धनिया की पत्ती और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और लीजिए तैयार हो गया हमारी मटर पनीर की सब्जी। देखिए इसकी ग्रेवी को देख के कोई नहीं बता सकता कि ये बिना प्याज लहसुन के है। अब आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।